कि आपने अभी प्रीव्यू देख लिया होगा। सो दोस्तों, आज हम वही भी स्टेटस बनाने वाले हैं, वैसे की वैसे ही पूरी वीडियो बनाने वाले हैं। सो दोस्तों, इस चैनल पर अगर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को कहीं भी स्किप मत करना। ओके फ्रेंड्स, सो आपको मैं आगे की प्रोसेस बताता हूँ। सो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ऐसा ही वीडियो बनाने के लिए आपको एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है लाइट मोशन। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर चले जाना, वहाँ पर आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा जितना भी मैं इस वीडियो में यूज़ करता हूँ। ओके दोस्तों, तो जो भी मटेरियल यूज़ करता हूँ वो सारा इसमें मिल जाएगा, फोटो और जो भी सेक इफेक्ट, बिटमार्क सॉन्ग, ये सब कुछ। तो दो सेक इफेक्ट और बिटमार्क सॉन्ग डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड करके लाइट मोशन में इनपुट कर लेना। अगर इनपुट करने में कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे स्क्रीनशॉट लेके इंस्टाग्राम पर सेंड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी आप देख लीजिए, ये वाली यहाँ पर ये लिखी हुई है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आप इस पर इस आईडी को सर्च कर लेना, या फिर आपको इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहाँ पर जाओ और अगर फॉलो नहीं किए तो फॉलो भी कर लेना। सो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जो भी जिस ऐप में बनाएंगे उसे ओपन करेंगे, जो लाइट मोशन है उसे ओपन कर लेंगे। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर मेरे पास नेट नहीं है इसलिए ये इस तरह से बता रहा है, कनेक्ट टू द इंटरनेट फॉर द लेटेस्ट लाइट मोशन न्यूज़। ओके फ्रेंड्स, सो अपने को यहाँ पर प्रोजेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऊपर की साइड दो प्रोजेक्ट ओपन होकर आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। सो सिंपली हमें क्या करना है, जो भी हमारा बिटमार्क सॉन्ग है उसे ओपन कर लेना है। हमारे पास दो प्रोजेक्ट ओपन होकर आएंगे, सेक इफेक्ट और बिटमार्क सॉन्ग। हमें जो बिटमार्क सॉन्ग वाला है उसे ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, आगे इस तरह से आ जाना है। ये जो फर्स्ट वाली फ़ोटो है ना दोस्तों, इस फोटो के सामने आप यहाँ पर अपना लोगो भी लगा सकते हैं। मैं लोगो नहीं लगाया तो ये फोटो ही रहने देता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरह से ओपन होकर आएगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, नीचे प्लस वाला आइकन दिख रहा है, इस वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद हमें यहाँ पर मीडिया के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है दोस्तों। मीडिया के ऑप्शन पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, ये ऑल लिखा हुआ आ रहा है, तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। और आपको क्या करना है, यहाँ पर जिस फोल्डर में भी आपकी फ़ोटो है उस फोल्डर को सिलेक्ट कर लेना। अगर आप इस तरह की फ़ोटो डाउनलोड करना चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर चले जाना, वहाँ पर आपको सारी फ़ोटोज मिल जाएगी। तो अब फोटो लगाने के लिए सिंपली हमें फ़ोटो पर क्लिक कर देना है। उसके बाद इसे फुल स्क्रीन में करने के लिए यहाँ पर थ्री डॉट दिख रहे हैं, इस पर क्लिक करना है। और पाँचवें नंबर पर मिल जाएगा फिल कंपोजिशन एरिया, तो इस पर क्लिक कर देना। उसके बाद इस तीर के निशान पर क्लिक करना दोस्तों, और यहाँ से इसे कट कर लेना। ओके फ्रेंड्स, सो इसी तरह से हमें सारी फ़ोटोज़ लगाना है। तो एक बार और बता देता हूँ मैं आपको अच्छे से फ़ोटो लगा के। सो सिंपली गाइस, हमें यहाँ नीचे प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, मीडिया के ऑप्शन पर क्लिक करना है और फ़ोटो पर क्लिक कर देना है, ठीक है दोस्तों। ये दूसरी फ़ोटो लगाएंगे हम, ये फ़ोटो नहीं लगाएंगे, तो ये डबल से लग गई थी। फ़ोटो पर क्लिक करना, उसके बाद ऊपर थ्री डॉट पर क्लिक करना है, और यहाँ पर पाँचवें नंबर पर मिलेगा फिल कंपोजिशन एरिया, सो इस पर क्लिक कर देना। और इस तीर के निशान पर क्लिक करना और यहाँ से कट कर लेना। सो चलिए दोस्तों, मैं सारी फ़ोटोज़ इस तरह से आपको लगा कर बता देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, सो फाइनली गाइज, मैंने सारी फ़ोटो इसमें ऐड कर लिया हूँ इस तरह से। सो आप देख सकते हैं सारी फ़ोटो लगा लिया हूँ। इस बाद अभी क्या करना, सारी फ़ोटो लगाने के बाद आपको सिंपली यहाँ से बैक चले जाना है, और बैक जाने के बाद हमें जो भी हमारा सेक इफेक्ट है उसे ओपन कर लेना है। उसे ओपन करने के बाद हमें जिस तरह से फ़ोटो मिलेगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं पांच फ़ोटो मिल रही है। तो हमें क्या करना है, जो फर्स्ट वाली फ़ोटो है इस फ़ोटो पर क्लिक कर देना है, और इफेक्ट पर क्लिक करना दोस्तों, और यहाँ पर थ्री डॉट दिख रहे हैं, इन थ्री डॉट पर क्लिक करना और यहाँ से कॉपी इफेक्ट कर लेना है, ठीक है दोस्तों। इतना करने के बाद आपको यहाँ से बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद फिर से बिटमार्क सॉन्ग को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर इस तरह से आएगा ये। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर फर्स्ट वाली फ़ोटो छोड़कर इस तरह से ऊपर स्क्रॉल कर लेना, और यहाँ पर सेकंड फ़ोटो मिलेगी, तो इस फ़ोटो पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर क्लिक करना और थ्री डॉट पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर लेना, ठीक है दोस्तों। फिर अगली फ़ोटो पर क्लिक करना, इफेक्ट पर क्लिक करना और थ्री डॉट पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना। तो इसी तरह से ये जितने भी फ़ोटो आ रही है इन फ़ोटो में लगा लेना है। सो वीडियो का एंड तक देख लेना, वीडियो को कहीं भी स्किप मत करना, नहीं तो वीडियो नहीं बना पाओगे। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से इफेक्ट लगा लेना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर डबल बीट आ रही है, आगे दो बीट लगी हुई है, तो यहाँ तक लगाना है 4.7 सेकंड तक की फ़ोटो तक। उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरह से आगे स्क्रॉल कर लेना और इन फ़ोटो को छोड़ देना। इन्हें छोड़ने के बाद इस तरह से आगे आओगे तो यहाँ आ जाओगे,
10.8 सेकंड पे, ठीक है दोस्तों। 10.8 सेकंड पे आने के बाद इस फोटो पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर क्लिक करना है और 3 डॉट पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना। फिर अगले फ़ोटो पर जाना है और इस तरह से 10.25 सेकंड वाली फ़ोटो पर भी इफेक्ट पेस्ट कर देना है। सो इन फोटो पर इसी तरह से इफेक्ट लगा लेना है। यहाँ पर मिनिमम 7 फोटोज़ मिलेगी, तो इन 7ों फोटो पर ये वाला इफेक्ट लगा लेना है। ओके फ्रेंड्स, सो इस तरह से लगा लेना है। आप वीडियो को कहीं भी स्किप मत करना वरना वीडियो नहीं बना पाओगे। तो इस तरह से लगाने के बाद इस इफेक्ट का काम हो जाएगा दोस्तों। तो हमें यहाँ से बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद आपको उस एक इफेक्ट को फिर से ओपन करना है। उसके बाद दूसरे नंबर की जो फोटो मिल रही है उस फोटो पर क्लिक कर देना है। उसके बाद इफेक्ट पर क्लिक करना है दोस्तों और 3 डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ से कॉपी इफेक्ट कर लेना है। इतना करने के बाद बैक जाना है। बैक जाने के बाद आपको बिटमास्क फॉर्म को फिर से ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, इस तरह से आगे आ जाना है, ठीक है दोस्तों। आपको मिनिमम यहाँ पर 4.25 सेकंड पे आ जाना है। 4.25 सेकंड पे आने का दिए फोटो मिलेगी, तो इस फोटो पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर क्लिक करना और 3 डॉट पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना। फिर अगली फ़ोटो मिल रही है आपको यहाँ पर, ठीक है दोस्तों, ये 5.4 सेकंड पे, तो इस फोटो पर क्लिक करना और इफेक्ट पर क्लिक करना और पेस्ट इफेक्ट कर देना। उसके बाद आपको यहाँ से ये फ़ोटो छोड़ देना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और फिर इधर के आगे की फ़ोटो छोड़ देना और आपको सीधा आ जाना है 14.13 सेकंड पे। ओके दोस्तों, 14.13 सेकंड पे आना है। उसके बाद ये छोटी छोटी फोटो आ रही है, तो इन फोटो पर ही वाले इफेक्ट लगा देना है। तो 14.13 सेकंड पे आने के बाद 14.22 सेकंड पे आना और इस पर भी इफेक्ट लगा देना है, ठीक है दोस्तों। तो इन 2 फोटो पर लगा दिए, उसके बाद यहाँ पर भी हमने आगे भी 2 फोटो पर लगा दिए। तो इस तरह से 4 फोटो पर लगाने के बाद हमें यहाँ से बैक चले जाना है। इस इफेक्ट का काम भी हो गया। फिर से एक इफेक्ट को ओपन करना है और अभी आपको आना है तीसरे नंबर की फ़ोटो पे। तीसरे नंबर की फ़ोटो पर आने के बाद इस तरह से इफेक्ट पर क्लिक करना है, 3 डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ से कॉपी इफेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से बैक जाना है दोस्तों। बैक जाने के बाद फिर से बिटमास्क फॉर्म को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको इस तरह से आगे आ जाना है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से मैं स्क्रॉल करके आगे आ जाता हूँ। तो मिनिमम आपको यहाँ पे आना है। इस तरह से ऊपर स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। इस तरह से यहाँ आगे आ जाना है, ठीक है दोस्तों। और इस फोटो पर क्लिक करना है यहाँ पर 5.13 सेकंड पे आने के बाद। 5.13 सेकंड पे आने के बाद इस फोटो पर क्लिक करना, इफेक्ट पर क्लिक करना और 3 डॉट पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना। ओके फ्रेंड, सो दोस्तों यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया इस फोटो में। उसके बाद आपको क्या करना, 1, 2 और 3 फोटो छोड़ देना, ठीक है दोस्तों। ये 3 फोटो छोड़ने के बाद इस तरह से आगे आना है आपको यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। 7.25 सेकंड पे, 7.25 सेकंड पे आने का इस फोटो पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर क्लिक करना और 3 डॉट पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना। उसके बाद फिर से आपको आगे की 3 फोटो छोड़ना है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से 1, 2, 3 और उसके बाद यहाँ से ये सारी फोटो छोड़ देना, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आपको आगे आ जाना है। यहाँ पर आगे आने के बाद यहाँ पर आना है आपको 5 सेकंड पे, 15.1 सेकंड पे। ओके दोस्तों, 15.1 सेकंड पे, 15.1 सेकंड पे आने का इस फोटो पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर क्लिक करना और 3 डॉट पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ से फोटो गिन लेना है, 1, 2 और 3। 3 फोटो छोड़ने के बाद आपको आगे आना है 17.14 सेकंड पे और उस फोटो पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर क्लिक करना और 3 डॉट पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद फिर से आपको आगे 3 फोटो छोड़ देना है और इस तरह से 19.25 सेकंड पे आना है और इफेक्ट पर यहाँ पर लगा देना है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से 3-3 फोटो छोड़ कर आपको आगे की फ़ोटो पर लगा देना है इफेक्ट। ओके फ्रेंड्स, तो ये प्रोसेस आपको लास्ट तक कर लेना है, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको करके बता देता हूँ। सो फाइनली गाइस, हम आ चुके हैं लास्ट में। तो इस तरह से यहाँ पर इसमें लगा दिया हमने, उसके बाद 1, 2 और 3 3 छोड़ के यहाँ पर ये इस तरह से इफेक्ट लगा देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर इस तरह से लास्ट वाली फ़ोटो तक आ गए हम। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से लगाने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से फिर से बैक चले जाना है। तो चलिए दोस्तों बैक चले जाते हैं। उसके बाद फिर से एक इफेक्ट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, 4th नंबर की फ़ोटो पर आ जाना है यहाँ पर। ओके फ्रेंड्स, 4th नंबर की फ़ोटो पर आने के बाद इफेक्ट पर क्लिक करना है, 3 डॉट पर क्लिक करना और कॉपी इफेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ से आपको बैक चले जाना है। सॉरी गाइस, तो गाइस इसको कॉपी कर लेना 4th नंबर के इफेक्ट को इस तरह से और इसके बाद आपको बैक चले जाना है। बैक जाने का फिर से बिटमास्क फॉर्म को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको इस तरह से आगे आ जाना है, ठीक है दोस्तों। आगे आ जाना है आपको, मिनिमम यहाँ आ जाना है। ओके फ्रेंड्स, तो गाइस यहाँ तक आ जाना है आपको 5.27 सेकंड पे। उसके बाद ऊपर स्क्रॉल कर लेना और यहाँ पर आपको ये फोटो मिलेगी, तो इस फोटो पर क्लिक करना है, इस फोटो पर क्लिक करना है और
सेल्फी डॉट पर क्लिक करके पेज के ऊपर से कर देना। उसके बाद आगे की दो फोटो तीन फोटो छोड़ देना इस तरह से। तीन फोटो छोड़ने के बाद आगे आ जाना आपको यहाँ पर 8.9 सेकंड। उसके बाद इस फोटो पर क्लिक करना और इस फोटो पर क्लिक करना, पेस्ट कर देना। उसके बाद फिर से आपको तीन फोटो छोड़ देना दोस्तों। तीन फोटो छोड़ने के बाद यहाँ पर आगे की सारी फोटो छोड़ देना और इस तरह से आ जाना, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर 15.15 सेकंड, 15.15 सेकंड आने के बाद इस फोटो पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर क्लिक करना और थ्री डॉट पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना। इस तरह से तीन तीन फोटो छोड़कर आपको इफेक्ट लगा लेना। ओके फ्रेंड्स, सो गाइज इस तरह से सारी फोटो पर इफेक्ट लगा लेना तीन तीन फोटो छोड़कर। तो यहाँ तक लगेगी 27.16 सेकंड तक। उसके बाद फिर से बैक जाना है और सेक इफेक्ट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद लास्ट वाली फोटो पर आना है, इस फोटो पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर क्लिक करना और थ्री डॉट पर क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना। अब आपको सिंपली क्या करना है, जो फोटो जिन फोटो में इफेक्ट नहीं लगा है उन फोटो में ये वाला इफेक्ट लगा लेना। तो इस तरह से आगे आना है सबसे पहले तो, और आगे आने के बाद यहाँ पर आना है आपको 6.19 सेकंड पर। उसके बाद यहाँ पर दो फोटो पर इफेक्ट लगाना है इस तरह से, ठीक है दोस्तों। दो फोटो पर इफेक्ट लगाना है, उसके बाद आपको दो फोटो छोड़ देना है और आगे की दो फोटो पर आ जाना है। दो इन दो फोटो पर इफेक्ट लगा देना है, ठीक है दोस्तों। सो गाइस इस तरह से लगा देना। उसके बाद यहाँ से आपको ये सारी फोटो छोड़ना, डबल बिट आ रही है वहाँ तक। उसके बाद आपको यहाँ पर आ जाना है 16.7 सेकंड तक। 16.7 सेकंड तक आने के बाद फिर से दो दो फोटो में इफेक्ट लगाना है और दो दो फोटो को छोड़ना है। तो ये प्रोसेस अब आपको लास्ट तक कर लेना है। ओके फ्रेंड्स, सो चलिए जल्दी जल्दी हम करके देख लेते हैं। ओके दोस्तों, सो गाइस हम इस तरह से लास्ट तक ये वाला इफेक्ट लगा लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो इस तरह से लास्ट तक इफेक्ट लगाने के बाद हमारा ये स्टेटस बनकर तैयार हो जाएगा। तो हमें अब ऊपर यहाँ पर ये वाला ऑप्शन दिख रहा तीर का, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से एक्सपोर्ट वीडियो कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।